नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने इंडेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे, उसमें बेस कन्वर्जन हमने सीखा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाइसिंग। समटाइम वी कम अक्रॉस ए सिचुएशन व्हेन एन इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड ऑन ए गिवन बेस ईयर इज स्टॉप्ड बीइंग यूज, उसको यूज करना बंद कर दिया जाता है। न्यू इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड टेकिंग द ईयर विच इन विच एन इंडेक्स वाज स्टॉप यूजिंग, जिस ईयर में इंडेक्स को पिछले बेस पर यूज करना स्टॉप किया गया है, उस बेस के ईयर के आधार पर हम न्यू इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हैं। दस वी हैव टू टाइप ऑफ इंडेसेस, वी हैव टू चेंज देम इनटू अ सिंगल सीरीज। हमारे पास दो तरह के इंडेक्स नंबर हो गए, एक पिछले बेस ईयर के आधार पर, एक नए बेस ईयर के आधार पर। अब हमें उन्हें एक सिंगल आधार पर चेंज करना है। द प्रोसीजर टेकन अप फॉर दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो इस जो प्रोसीजर है उसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको शिरोबंधन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन सीरीज इज अवेलेबल फ्रॉम 1981 टू 1985 हूज बेस ईयर इज 1981। 1981 से 1985 तक का डाटा अवेलेबल है, जिसका आधार वर्ष है 1981। दिस इंडेक्स स्टॉप्ड यूजिंग इन 1985, इसको 1985 में बंद कर दिया गया और अब 85 को बेस ईयर लेकर हमें नई सीरीज का इंडेक्स 85 से 90 तक के बनाए हैं। वी आर इन नीड ऑफ ए सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर विद कंटिन्यूअस टाइम पीरियड, हमें कंटिन्यूअस टाइम पीरियड पर इन इंडेक्स की जरूरत है। देन वी कैन मेक इट अवेलेबल विद बाय यूज ऑफ द स्प्लाइसिंग। देन हम स्प्लाइसिंग की सहायता से इनको एक ही कॉमन आधार वर्ष के बेस पर बदल देंगे। दस स्प्लाइसिंग इज ए प्रोसेस बाय विच न्यू सीरीज ऑफ इंडेक्स इज टाइड अप विद ओल्ड इंडेक्स सीरीज। न्यू सीरीज को ओल्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग टाई अप किया जाता है, या ओल्ड सीरीज को नए सीरीज के नए बेस के आधार पर टाई अप किया जाता है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है स्प्लाइस इंडेक्स नंबर के लिए, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। हमारा जो इंडेक्स नंबर है करंट ईयर का, वो ओल्ड इंडेक्स नंबर क्या था न्यू बेस ईयर का, जो हमारा नया बेस ईयर है उसका ओल्ड बेस ईयर के आधार पर इंडेक्स नंबर क्या था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो हमारा स्प्लाइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो क्वेश्चन से देखते हैं इसको, एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन बिलो आर टू सेट्स ऑफ इंडेसेस, वन विद 2006 एज ए बेस, एक 2006 को बेस लेकर है और दूसरा 2010 को लेकर है। तो हमारे को 2006 से 10 तक के इंडेक्स नंबर दिए हैं और दूसरा हमें 2010 से लेकर 2014 तक के इंडेक्स नंबर दिए हैं। सप्लाइज द सेकंड सेट ऑफ इंडेक्स नंबर फ्रॉम 2006, तो हमें 2006 से उसको स्प्लाइस करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हमने ईयर्स लिखे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उनके ओल्ड इंडेक्स नंबर को लिखा 100, 120, 145, 172, 200, नए इंडेक्स नंबर को लिखा 10 का 100, 11 का 110, 12 का 116, 13 का 125, 14 का 140। तो फिर हमें इनको स्प्लाइस करना है, स्प्लाइस इंडेक्स नंबर निकालने हैं। तो क्या था, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर और आधार ईयर आधार वर्ष का, न्यू आधार वर्ष का प्रीवियस बेस ईयर के आधार पर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय 100। तो 100 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, 200 आ जाएगा। 110 मल्टीप्लाई 200 इंटू 100, 220 आ जाएगा। 116 इंटू 200 डिवाइड बाय 100, 232। 125 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 सॉरी डिवाइड बाय 100 तो 250 आ जाएगा। 140 इंटू 200 डिवाइड बाय 100 280 आ जाएगा। इस प्रकार हम इनको स्प्लाइस कर सकते हैं, ये हमारे स्प्लाइस इंडेक्स नंबर आ गए हैं। फिर है हमारा डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। ऑफन चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, उनके प्राइसेस कमोडिटी के हैं वो बढ़ते घटते रहते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती घटती रहती है। देयरफॉर इंडेक्स नंबर ऑफ सैलरी और वेजेस नीड टू बी रिवाइज ड्यू टू द सच चेंज, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं घटती हैं उसके अनुसार हमें सैलरी और वेजेस के इंडेक्स नंबर को टाइमली रिवाइज करना पड़ता है। इन अदर वर्ड,
whenever we need to drive real wages from the money wages. Money wages से real wages निकालनी है या real income निकालनी है money income से, then index number have to be adjusted or revised. हमें index number को adjust करना पड़ता है, revise करना पड़ता है. In fact, this process is called as deflating of index number. इसको deflating of index number बोलते हैं. In other word, deflating refer to correction of the price change in the money wages or money income series. Money wages है या money हमारी income series है, उसमें हम price के according जो correction करते हैं वो हमारा deflating of index number है. For deflating हम क्या formula use करते हैं, real wages के लिए deflated wages भी इसको हम बोलते हैं. Money wages divide by price index into 100, और real income के लिए या deflated income भी इसको बोल सकते हैं, money income divide by cost of living index into 100. If a real wages index or real income index is to be derived, then first the above said formula are used and then indices are computed by taking the first year as a base. Real wages index number कैसे निकालना है, real wages of the current year divide by real wages of the base year into में 100, या index of money wages divide by price index into 100. रियल इनकम इंडेक्स नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, रियल इनकम ऑफ द करंट ईयर रियल इनकम ऑफ द बेस ईयर इनटू में 100. तो इन किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं. तो इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे करना है. द फॉलोइंग टेबल गिव एनुअल वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. हमें एनुअल वेजेस दी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है, हमने रियल वेजेस कैलकुलेट करनी है, इंडेक्स नंबर निकालना है रियल वेजेस का 2000 को बेस ईयर लेते हुए. तो हमें डाटा क्या दिया है, 2000 2001 2 3 4 का वेजेस दी है, 180 200 240 300 350. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है 100 140 190 240 280. तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने ईयर लिखा 2000 2001 2 3 4, उनकी वेजेस लिखी 180 200 240 300 350, इंडेक्स नंबर लिखा 100 140 190 240 280. अब हमें रियल वेजेस निकालेंगे, रियल वेजेस का फॉर्मूला है मनी वेजेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर इनटू 100. तो हमारी मनी वेजेस है 180 डिवाइड बाय 100 इंडेक्स नंबर इनटू में 100, पहले का आ जाएगा 180. नेक्स्ट 200 डिवाइड बाय 140 इनटू 100, 142.86. 240 डिवाइड बाय 190 इनटू 100, 126.32. 300 डिवाइड बाय 240 इनटू 100, 125. 350 वेजेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर 280 इनटू 100, 125. रियल वेजेस इंडेक्स निकालना है, पहला हमारा 100 रहेगा, दूसरा 142 डिवाइड बाय 180 इनटू 100, क्योंकि 2000 को बेस लेना है, बेस ईयर से हम डिवाइड करेंगे. 142.86 डिवाइड बाय 180 इनटू 100, 79.37. 126 डिवाइड बाय 180 इनटू 100, 70.18. 125 डिवाइड बाय 180 इनटू 100, 69.44. 125 डिवाइड बाय 180 इनटू 100, 69.44. इस प्रकार से हम रियल वेजेस इंडेक्स और रियल वेजेस को निकाल सकते हैं. अनदर एग्जांपल है, ए वर्कर अर्न रुपीज 3000 पर मंथ इन 2004. उसने 2004 में 3000 रुपए पर मंथ अर्निंग की. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 70% इंक्रीज हो गया 2004 से 2007 तक में. हाउ मेनी एक्स्ट्रा इनकम शुड द वर्कर हैव अर्न. कितनी एक्स्ट्रा वर्कर को अर्न करना पड़ेगा 2007 में, सो दैट ही कैन बाय द क्वांटिटी सेम एज इन 2004. जितनी क्वांटिटी वो 2004 में खरीद सकता था उतनी क्वांटिटी वो 2007 में खरीद ले. इनटू देखते कैसे करेंगे. इन 2004 व्हेन इंडेक्स वाज 100, वर्कर वेजेस थी 3000 पर मंथ. 2007 में जब इंडेक्स 170 हो गया तो उसकी वेजेस क्या होनी चाहिए, 3000 डिवाइड बाय 100 इनटू 170, 5100 पर मंथ होनी चाहिए. हिज इनकम शुड बी, इसकी एनुअल एक्स्ट्रा इनकम कितनी होनी चाहिए, 12 इनटू 5100 माइनस 3000, 25200 इन ईयर 2007 होनी चाहिए, तब वो उसी क्वांटिटी को परचेज कर पाएगा जो वो 2004 में परचेज कर रहा था. Thus, if the worker has earned 25,200 as extra income during 2007, he will be able to buy the same quantity as in 2004. Next, देखते हैं, Mr. A was getting rupees 400 in the base year and rupees 800 in the current year.
इफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 350, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन द अर्लियर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो फॉर फॉर्मर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ए गेट 400 उसको मिल रहे थे, 100 प्राइस इंडेक्स था, नाउ 350, तो उसको 1400 रुपए कमाने चाहिए। देयरफॉर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 600 रुपीज उसको एक्स्ट्रा अर्न करने पड़ेंगे ताकि वो उसी कॉस्ट ऑफ लिविंग को, उसी कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। थैंक यू वेरी मच।